दिल्ली में कोरोना के बीच एक नया विवाद हो गया है। विवाद भी ऐसा कि दिल्ली पुलिस, बीजेपी, कांग्रेस सभी की एंट्री हो गई। ये विवाद है इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से जुड़ा हुआ। एक ओर ऑक्सीजन की जंग जारी है, लोग सांसों के लिए तड़प रहे हैं, तो दूसरी ओर सियासत भी अपने चरम पर है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस नेता श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की तो सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया और राजधर्म की नसीहत दे डाली। कोरोना काल में पार्टी के सबसे सक्रिय नेता से पूछताछ हुई तो कांग्रेस को गुस्सा आ गया और अब कांग्रेस इसी बहाने सीधे मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। आज इस देश के हर व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा कि क्या मुसीबत में ऑक्सीजन पहुंचाना अपराध है, क्या रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेने में मरते हुए व्यक्ति की मदद करना अपराध है, क्या दवाई पहुंचाना मरीज तक अब इस देश में अपराध है, क्या बेड और वेंटिलेटर का इंतजाम करना अपराध है, क्या अस्पतालों में जाकर मरीज के जो साथ वाले लोग हैं उनको, एम्बुलेंस ड्राइवरों को खाना पहुंचाना अपराध है। लगता है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हाँ ये अपराध है, इसीलिए आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में बी श्रीनिवास जी और युवा कांग्रेस की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। दरअसल कोरोना के दौर में जब मरीजों के इलाज के लिए मारामारी मची है, सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनों की मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, तो इस दौर में कुछ लोग मददगार बनकर आगे आए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें श्रीनिवास बीवी या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाई पहुंचाते दिखे। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच श्रीनिवास से ये जानना चाह रही है कि आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाई कहां से आई, कहीं मदद के नाम पर कालाबाजारी तो नहीं की गई? हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति ने पीएल गया है, उसमें बहुत लोग है, 12 लोग तक है शायद, उसमें वो लोग आके पूछे आप लोग किस तरीके से आज पर उन लोग का या लोग क्राइम ब्रांच से लेके आए, पूछे हम लोग को, ठीक है, हमने उसके लिए ओरली हमने लिख के भी दे दिया, हमने कैसा ये कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, हमने मदद कर रहे हैं करके। क्या फंडिंग को लेकर के भी? नहीं, फंडिंग के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ये किससे आप लोग ने लोगों को मदद करे उसी को लेके, हमने किसी ने जो पीआई लगाया तो उसको लेके वो लोग ने रिपोर्ट ये मांगा है, रिपोर्ट हमने उनको ओरली रिपोर्ट दे रहे हैं। श्रीनिवास बीवी ने क्राइम ब्रांच के सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन इस कार्रवाई ने कोरोना काल में नए सियासी टकराव का आगाज भी कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बचाने वाला हमेशा मारने वालों से बड़ा होता है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद पार्टी के तमाम नेता श्रीनिवास के पक्ष में उतर आए और केंद्र सरकार पर रेड राज का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे से भी संपर्क किया था और दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हरीश खुराना से भी पूछताछ कर चुकी है। पुलिस इंक्वायरी की इस लिस्ट में गौतम गंभीर का भी नाम है और कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े जनप्रतिनिधि और अन्य लोगों के भी। पिछले 2-3 दिन से क्राइम ब्रांच के लोग अलग अलग नेताओं के पास, जो 10-12 नेता हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, उनके पास जाके जो लोगों की सेवा कर रहे हैं उनके पास जाके पूछ रहे हैं कि आपके पास रेमडेसिविर या बेड या ऑक्सीजन कहां से आ रही है, उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम अकेले आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पास अकेले नहीं जा रही है, जैसा कि मुझे आज मालूम चला कि श्रीनिवास जी के पास भी आज गई थी, वैसे ही परसों एक क्राइम ब्रांच की टीम मेरे पास भी आई थी, तो उन्होंने इंक्वायरी करी और स्टेटमेंट लेकर चली गई। मुझे लगता है कि उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम घसीटना, अमित शाह जी का नाम घसीटना कि अमित शाह जी करवा रहे हैं या नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। दरअसल जिस श्रीनिवास बीवी के नाम की चर्चाएं हो रही है वो आखिर है कौन? केशव चंद के युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद श्रीनिवास बीवी को ही अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। सामाजिक कार्यों में श्रीनिवास बीवी काफी सक्रिय रहे और काम को देखते हुए पूर्णकालिक अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्रीनिवास बीवी को सौंपी गई। उधर कांग्रेस के हमलों के बीच दिल्ली पुलिस की दलील ये है कि कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर की जा रही है। हाईकोर्ट ने दीपक सिंह नाम के शख्स की याचिका पर पुलिस को दवाओं के अवैध वितरण को लेकर नेताओं की जांच करने के लिए कहा है। खैर,
अब कांग्रेस नेता श्रीनिवास क्राइम ब्रांच के जांच के दायरे में आए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस केंद्र पर हमलावर हो गई है। दिल्ली तक ब्यूरो।